तो इस जेनेटिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि मेंडल ने इनहेरिटेंस से क्या क्या लॉज दिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, आई थिंक सभी को पता होगा, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, और इस प्रोसेस को ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, वो भी मैंने बता दिया था, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर पढ़ेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ते हैं और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ते हैं, तो मैं इनके दूसरे नाम बता देता हूँ, ये हम पढ़ेंगे अंडर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, मोनो हाइब्रिड, ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की, कैसे कैसे सेक्स मतलब कि जेंडर के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है, मेल के और फीमेल की, कैसे क्या क्या रीजन है मेल पैदा होने के, और क्या क्या ऐसे रीजन है फीमेल के पैदा होने के कि क्यों होता है। और ये बात आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, लाइक 22+X और 22+Y अगर फ्यूज होंगे, जैसे कि ये मेल से आ रहा है स्पर्म, ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज हो रहा है ये वाले एग के साथ, तो क्या बनेगा, 44+XY बनेगा, और फ्यूचर में यहाँ पे मेल बनेगा। और अगर स्पर्म आ रहा है, स्पर्म अगर आ रहा है 22+X वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर एक्स बन जाएगा, एक्स एक्स, तो अब ये मेल ना होकर क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। ऐसी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी 10th क्लास में। इसके बाद म्यूटेशन हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डीएनए में चेंज आता है, और डीएनए में चेंज आना मतलब किसी के जेनेटिक मेकअप में चेंज आना, जेनेटिक कैरेक्टर में चेंज आना, और उस जेनेटिक कैरेक्टर में चेंज आने की वजह से उसके फीनोटाइप कैरेक्टर कैसे बदलते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे बदलती है, वो सब हम म्यूटेशन में पढ़ेंगे कि म्यूटेशन के कॉज क्या है। इसके बाद बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, कि कैसे कैसे बीमारियां होती हैं और कैसे कैसे ये बीमारियां पेरेंट्स से उनकी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, जन्मजात बीमारियां कौन सी होती हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। तो उसके ये सब चीज हमें पढ़नी है इस एनसीईआरटी में, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। तो बात करते हैं मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो गार्डन पी पे किया था, जैसे कि मैंने बताया था, और ये एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला था, ठीक है, 7 ईयर्स तक चला, कब से कब तक चला वो आप देख सकते हो, ठीक है। और 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपने कुछ लॉज बनाए, कुछ लॉज बनाए इनहेरिटेंस के, और वो 3 लॉज इसने दिए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज द फर्स्ट टाइम, और मेंडल, देखो मैंने बताया था, देखो मेंडल के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो सुनो, मेंडल के बारे में बातें सुन लीजिए। मेंडल मेंडल के जो फादर थे वो एक किसान थे, ठीक है, वो क्या थे, एक फार्मर थे, ठीक है, तो ये एक फार्मर का बेटा था मेंडल। मेंडल बहुत ही पुअर फैमिली से था, ठीक है, और मेंडल पुजारी की तरह भी काम करता था, मॉन्क था एक, मॉन्क, ठीक है, और साथ की साथ वो एक स्टूडेंट था स्टेट्स का। अगर आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो कि कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स विद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में स्टैट्स बोलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ्स बोलते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसे स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट काम क्या करते हैं, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में इसका क्या होगा, ये सब प्लानिंग आज के आंकड़े देखकर, मतलब करंट सिचुएशन को देखकर क्या करते हैं ये स्टेट्स वाले, जैसा कि मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, करंट सिचुएशन को देखकर इसकी मीन मीडियन मोड ये सब चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है, करंट सिचुएशन को देख करके ये फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा वो बताते हैं। जैसे कि कभी आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट क्रिकेट में ना रन रेट चल रही होती है, रन रेट,
कि अभी की रन रेट है 4 पॉइंट दिस मान के चलो, है ना, और रिक्वायर्ड रन रेट अगर मैच उनको जीतना है तो उनको चाहिए 6.6, ये रन रेट चाहिए। तो ये सब आंकड़े, ये सब डेटा निकालता कौन है, ये सब डेटा स्टैट्स वाले निकालते हैं, ठीक है, ये इन्हीं सब चीजों की पढ़ाई करते हैं, कैलकुलेशन करके फ्यूचर बताते हैं ये कि फ्यूचर में अगर इस हिसाब से ही आपकी प्रिपरेशन चलती रही या फिर इस हिसाब से ही आप मेहनत करते रहे या फिर इस हिसाब से ही ये प्रोसेस हो रही है तो फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वो सब ये स्टेट्स वाले बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मेंडल था, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपने स्टेट्स के एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस लॉजिक को लगाया बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने यही क्लियर कर देता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हम यहाँ लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि मेल है, मेल है, मेल के जो अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं और 46 क्रोमोजोम ही फीमेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मेल के अंदर जो 46 क्रोमोजोम है वो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 44 इसके ऑटोसोम्स और XY इसके एलोसोम्स, ठीक है, और फीमेल के मैं लिख सकता हूँ 44 इसके ऑटोसोम्स प्लस XX इसके सेक्स क्रोमोजोम या फिर एलोसोम आप इनको बोल सकते हो, मैं लिख देता हूँ एलोसोम है, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, एलोसोम बोल सकते हो, आप इसको एलोसोम बोल दो या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोल दीजिए, बात एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने इसका लिखा है ये है इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है अभी जानेंगे, आज की क्लास में ही जान लेंगे जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। फिलहाल ये इसका जीनोटाइप है, मतलब इसकी सेल के अंदर इस तरह से इसके डीएनए या फिर इसके क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर मियोसिस चलेगा तो इसके जो दो तरह के गैमेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 22+X और 22+X, ठीक है। ये इस तरह के से गैमेट बनेंगे हैप्लोइड सेल में, ये थी इसकी डिप्लोइड सेल, हैप्लोइड में इस तरह से बन गई। ऐसे ही जब यहाँ पे मियोसिस चलेगा तो 22+X और 22+Y, ठीक है, ये हो गया। और जब आप इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो इसके रिजल्ट में मेल पैदा होने के चांस 50% होंगे और फीमेल पैदा होने के चांस भी 50% होंगे, ठीक है। इस तरह के ही आंकड़े ना मेंडल ने लगाए थे, जैसे कि अगर वो क्रॉस कराता है प्योर का एम प्योर के साथ तो फ्यूचर में कितनी कितनी परसेंटेज होगी किस किस की, वो ये निकाल सकता है कि टॉल कितने परसेंट बनेंगे और ड्वार्फ कितने परसेंट बनेंगे, ये सब आंकड़े ये निकाल लेते थे, ठीक है, स्टेट्स वाले। तो इसने ऐसी ही एनालिसिस यूज करी है बायोलॉजी में, जैसे कि मैं इसको बताता हूँ अब यहाँ से किस तरह का गैमेट बनेगा, तीन तरह का गैमेट बनेगा हैप्लॉइड में, सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनेगा, और यहाँ से दो तरह के गैमेट बनेंगे, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा टॉल प्लांट पैदा होने का, प्योर टॉल पैदा होने का परसेंटेज कितना आ गया, प्योर टॉल पैदा होने का परसेंटेज 50% आ गया, ठीक है, और हाइब्रिड टॉल पैदा होने का परसेंटेज कितना आ गया, हाइब्रिड टॉल पैदा होने का परसेंटेज 50% आ गया। तो ये सब चीजें जो हैं ये बायोलॉजी के अंदर मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है स्टेट्स का और कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स का, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी तो है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्योर टॉल प्लांट तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो 10th क्लास में, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखो ये जो यूनिट है ना इसमें मैथ्स भी यूज में आता है, इसमें मैथमेटिक्स यूज में आता है। जो बच्चे ये सोच करके बायोलॉजी ले लेते हैं कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आते इसीलिए हम बायोलॉजी की तरफ चल देते हैं, तो वो एकदम गलत फैसला होता है। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो है इसके लिए आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, बहुत कुछ आना चाहिए अगर आप बायोलॉजी की डीप में जाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे मैंने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है यहाँ पे, जैसे कि हाइब्रिड टर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, और प्योर के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और मैंने
जीनोटाइप के बारे में डिस्कस किया है कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक हम, अब मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से पहले हमें ये सब टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, या फिर इनको पढ़ाने के साथ साथ ही मैं ये टर्म क्लियर आपकी करता हुआ चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल के पहले लॉ से, और सुने फिर ध्यान से, और स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो मैं पहला लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ मेंडल के, ठीक है, लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है। तो मेंडल ने तीन लॉज दिए, उन तीनों लॉज के नेम आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है उसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ है उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये तीनों लॉज हैं जो आपको याद रखना है, असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये तीन लॉज उसने दिए, मैं आपको कुछ बातें अभी से बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। ये जो दो लॉज हैं इसके, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जाम में यूज करोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी बताएंगे आपको मोनोहाइब्रिड क्या होता है, इसको बताने के लिए आप एग्जाम में यूज करोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और जो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको बताने के लिए आप एग्जाम में यूज करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं मेंडल ने कौन कौन से सेवन कैरेक्टर्स पे स्टडी किया, ठीक है। मेंडल ने कौन कौन से सेवन कैरेक्टर्स पे स्टडी किया, तो सुनिए ध्यान से। पहला कैरेक्टर उसने लिया स्टेम की हाइट का, स्टेम की कितनी हाइट है। तो इसमें मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं डोमिनेंट कैरेक्टर, और डोमिनेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, डोमिनेंट और रिसेसिव दो अलग अलग फॉर्म है जीन की, और जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही हम एलेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट फॉर्म है इसकी उसको हम बोलते हैं टॉल, ये कलर शायद दिखेगा नहीं, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। तो जो डोमिनेंट है वो है टॉल, और जो रिसेसिव है वो है स्मॉल या फिर ड्वार्फ। रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, ड्वार्फ। अच्छा, अभी आप डोमिनेंट और रिसेसिव को बस इतना समझ लीजिए, आपने मार्केट में कैसे कलर की मटर ज्यादा देखी है, ग्रीन कलर की मटर आपने ज्यादा देखी है या येलो कलर की मटर आपने ज्यादा देखी है मार्केट में। ग्रीन 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 ज्यादा देखी है ना, तो ग्रीन कलर क्या कर रहा है यहाँ पे, डोमिनेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा कलर मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है वो कौन सा है, ग्रीन है, और जो कम मिल रहा है वो क्या है, येल्लो है। और इसको याद करने का फॉर्मूला बस ऐसे कर लो, जो दिखता है वो बिकता है और वो ही डोमिनेंट होता है, ठीक है। इस चीज को याद करने के लिए आप ये इस तरह से माइंड में कोड बना लो, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे। ये मुहावरा तो आपने पढ़ा होगा, जो दिखता है वो बिकता है, वो ही डोमिनेंट होता है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। अब जो चीज ज्यादा दिख रही है वो ही डोमिनेंट होगा,
अब स्टेम की हाइट ज्यादातर जो दिखती है वो टॉल वाली ही दिखती है, ड्वार्फ वाले स्टेम बहुत कम दिखते हैं, इसीलिए टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, अभी बताएंगे इस बारे में और ज्यादा। इसके बाद अब देखो, उसने फ्लावर को लेकर के दो चीजें स्टडी करी, एक तो किया फ्लावर का कलर, ठीक है, और एक लिया फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। तो फ्लावर का जो कलर डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट कलर है फ्लावर का, वो रेड है, रेड या फिर वॉयलेट, ठीक है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है फ्लावर के कलर का, वो है वाइट। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, बायोलॉजी में कलरलेस के लिए वाइट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। वाइट वर्ड कोई भी कलर है अगर वो कलरलेस है, जैसे कि अगर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद दिलाऊं क्लास 11 का, तो मैं यहाँ याद दिला देता हूँ, ठीक है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, आपने आरबीसी पढ़ा होगा, आरबीसी, आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास वो पिगमेंट होते हैं जो इसको कलर देते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है जो उसको कलर दे। अब क्योंकि पिगमेंट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उस पर कलर भी नहीं है, और कलर नहीं है इसलिए हम उसको व्हाइट बोल रहे हैं, समझ गए ना। व्हाइट का मतलब बस यही होता है बायोलॉजी में, जहां कलर ना हो, ठीक है, उसको व्हाइट बोल दिया जाता है। अब फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल वाली डोमिनेंट है और टर्मिनल वाली रिसेसिव है, टर्मिनल, ठीक है। अब ये एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन कैसी होती है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट, और इसके यहाँ एक्सिस के अलोंग फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, एक्सिस के अलोंग फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल। इस चीज को याद मैं आपको ऐसे करा देता हूं, जैसे कि ये कोई एक्सिस चल रही है और इसके इस तरह के फैशन में क्या ग्रो रहे हैं फ्लावर, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा फ्लावर का, ये है एक्सियल, ठीक है, समझ में आया, यस और नो? यस सर। ओके, और टर्मिनल कौन सा होगा फिर? टर्मिनल होगा, अगर मैं देखो टर्मिनल को अलग कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर इस पोजीशन में मिलेगा, तो ये वाला जो फ्लावर है ये है टर्मिनल फ्लावर, और ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये है एक्सियल फ्लावर। और पी प्लांट पर अगर आप देखोगे, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सियल फ्लावर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और टर्मिनल फ्लावर कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक्सियल फ्लावर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और टर्मिनल फ्लावर कम देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद फोर्थ, अब इसने पॉड को लेकर के भी दो कैरेक्टर स्टडी किए। पॉड, पॉड क्या है, इसी को हम पॉड बोलते हैं, ये जो फली होती है मटर की, इसी को हम पॉड बोलते हैं, ये पॉड है, ठीक है। तो पॉड के दो कैरेक्टर इसने स्टडी किए, एक तो पॉड की शेप और एक पॉड का कलर, ठीक है। पॉड की शेप जो डोमिनेंट है वो है आपकी इन्फ्लेटेड, और जो रिसेसिव है वो है आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। अभी इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप दिखती कैसी है वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इस फॉर्मूले को सुनिए ध्यान से। हाँ जी, इन्फ्लेटेड तो वही है जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली शेप जो है वो इस तरह की दिखेगी, लाइक मटर थोड़ी सी इस तरह की दिखती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें मोटे मोटे से बीज मिलते हैं, आपने देखोगे ऐसी मटर जिसमें बहुत ही मोटे से बीज होते हैं अंदर, है ना। तो ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर,
अभी मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा कलर ज्यादा डोमिनेंट है, ग्रीन और येल्लो? ग्रीन ग्रीन। तो पॉड का कलर जो डोमिनेंट है वो है यहाँ पर ग्रीन, और जो कि रिसेसिव है वो आ जाएगा आपका येल्लो। ठीक है, अब दो कैरेक्टर और बच गए हैं और जगह भी कम ही बच रही है। ठीक है, छठवां और सातवां दो कैरेक्टर इसने लिए हैं सीड को लेकर के। सीड, ठीक है, एक तो सीड का कलर और एक सीड की शेप। ठीक है, तो सीड का कलर जो कि डोमिनेंट है वो है येलो, यहां थोड़ा उल्टा है, और जो रिसेसिव है वो है ग्रीन। सीड की शेप जो डोमिनेंट है वो है राउंड, और जो रिसेसिव है वो है रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको, यहां पर जो हम वर्ड यूज करते हैं जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, एलिल्स को शो करने के लिए, ठीक है, तो उसके रूल्स हैं जेनेटिक्स में जो हमने सोच रखे हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, डोमिनेंट के लिए हम कौन सा लेटर यूज करेंगे, कैपिटल, और रिसेसिव कैरेक्टर को शो करने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। ठीक है, और पहले हमेशा कैपिटल लेटर आएगा और फिर सिंबल आएगा किसी भी कैरेक्टर के पेयर के एलिल्स को शो करने के लिए। अब टॉल के लिए कैपिटल टी आ जाएगा यहाँ पे, और इसी का स्मॉल लेटर ड्वार्फ के लिए हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, एक्सियल के लिए यहाँ पे जाएगा कैपिटल ए और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए। ऐसे ही आप मुझे बताइए ग्रीन के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल जी, कैपिटल जी लिखूंगा, और यहाँ पे येलो के लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल जी, स्मॉल जी। ठीक है ना, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आई और यहाँ पर स्मॉल आई, यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, या फिर यहाँ पर कैपिटल वी और यहाँ पर स्मॉल वी। क्लियर है, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने पी प्लांट के लिए स्टडी करे, वो समझ में आ गया सभी को? यस सर, यस ओके, सर, अब यस। बात, हाँ जी, अब बात करते हैं इसके पहले लॉ की। तो मैं पहला लॉ आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का लॉ क्या है, कैसे चीजें डोमिनेट करती है। तो देखिए, इसको स्टडी करने के लिए हमें कौन सा क्रॉस यूज करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यूज करना है एग्जाम में। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो भाई, ये लॉ स्टेट क्या करता है, इससे पहले भी आपको एक बात याद रखनी है, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्योर लाइन का यूज किया। अब प्योर लाइन क्या होता है, प्योर मतलब होमोजाइगस होता है, ठीक है, होमोजाइगस, और इम्प्योर या फिर हाइब्रिड का मतलब हेटरोजाइगस होता है। ठीक है, समझ लो क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों ही क्रोमोजोम्स पर इस तरह से सेम, एकदम सेम, हमें सेम फॉर्म ही दिख रही हो जीन की, मतलब सेम एलील्स के पेयर दिख रहे हो, तो यहां पे ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है।
या फिर यहाँ पर स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी आ जाए, ये भी प्योर ही होता है। और हाइब्रिड, हाइब्रिड में एक कैपिटल और एक स्मॉल, आप हाइब्रिड के लिए इम्प्योर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब अपने एक्सपेरिमेंट में उसने प्योर लाइन यूज करी और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उसने लॉज बनाए हैं, ठीक है, लॉज बनाए हैं। तो पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने क्या किया था, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, और एक लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही लिख के आना है, ये क्या लिया उसने, पेरेंट लिए, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट्स है, ये है पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के नीचे उनका जीनोटाइप लिखना होता है, प्योर टॉल प्लांट है और हम एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, हम क्रॉस करा रहे हैं रिगार्डिंग वन कैरेक्टर। जब हम एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो उस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर मैं दो कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराऊं, लाइक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा राउंड येलो सीड पढ़ा है, राउंड येलो सीड पढ़ा होगा, और इस दौरान हम क्या लिखते थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरह से लिखते थे। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, सीड के दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे मैं ले लिए हैं, एक तो सीड की शेप और एक सीड का कलर। तो जब मैं दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराऊंगा रिगार्डिंग टू कैरेक्टर्स, तब वो क्रॉस कौन सा कहलाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाइहाइब्रिड। हाँ जी, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे अब मैंने एक ही कैरेक्टर लिया, तो एक ही कैरेक्टर के मैं जीनोटाइप लिखूंगा कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्लियर है। ये मैंने क्या लिया यहाँ पे, ऐसे ही आपको एग्जाम लिखना है, ये मैंने लिया यहाँ पे जीनोटाइप। अब वो समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि जीनोटाइप होते क्या है। तो जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप के बारे में बताते हैं, एक्चुअल जेनेटिक मेकअप के बारे में बताते हैं, एक्चुअल उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है, उसका डीएनए कैसा है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रोसेस चलेगी इनके अंदर, ये डिप्लॉयड मैंने यहाँ पे ले रखा है, इनके अंदर एक प्रोसेस चलेगी जिसको कि हम बोलेंगे मियोसिस। मियोसिस कौन सी प्रोसेस में चलती है, मियोसिस चलता है आपके उसमें जब हमें गैमेट्स फॉर्म करने होते हैं। तो मियोसिस के दौरान अगर ये डिप्लॉइड सेल है, यहाँ पर अगर ये डिप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, तो हमें कैसी सेल्स मिलेंगी, हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, ठीक है। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है उससे रिजल्ट में मुझे एन एन और फिर इस तरह से एन 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 और एन मिलता है, मतलब कि अगर यहाँ पे टी टी है तो इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, कैपिटल टी और फिर उसके रिजल्ट में चार बार मुझे कैपिटल टी मिलेंगे, ठीक है, चार गैमेट्स बनेंगे, लेकिन चारों है तो सेम ही, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही बारी लिख देता हूँ कैपिटल टी, और यहाँ पर इस तरह से ही मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। आपको ये एक बारी ही क्यों लिखना है, जिससे कि आपके इंक बचे, टाइम बचे और आप स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, इसलिए एक ही बारी लिख दो, क्योंकि ये रिजल्ट एक बारी दिखा दो या फिर यही क्रॉस आप चार बारी करके दिखा दो, बात सेम ही पढ़नी है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद और जब ये दोनों मिलेंगे गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे अब ये क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा, मेंडल जीन वर्ड नहीं जानता था, मेंडल जीन को फैक्टर बोलता था, फैक्टर, और फैक्टर एक मैथमेटिक्स का वर्ड है, मैथ्स में हम यूज करते हैं फैक्टर, आपने भी यूज किया होगा फैक्टर करना, ठीक है। तो उन्होंने इन सबको फैक्टर बोला,
उसने नहीं जानता था, वो ना तो मियोसिस के बारे में जानता था ना माइटोसिस के बारे में, कुछ नहीं जानता था वो बायोलॉजी का, वो स्टेट्स का बंदा था, लेकिन उसने जो ये रिजल्ट बनाए हैं वो एकदम करेक्ट बने। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे, सभी टॉल प्लांट मिलेंगे। और ये प्लांट कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइब्रिड, तो उसको बोल देंगे हम हाइब्रिड टॉल प्लांट, ठीक है। और ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन किसको बोलते हैं हम, सुन लीजिए, F1 जनरेशन होता है द रिजल्ट ऑफ अर्ली क्रॉस। F1 जनरेशन रिजल्ट ऑफ अर्ली क्रॉस होता है। अब यहां अर्ली क्रॉस से मेरा मतलब क्या है, जो भी क्रॉस मैं सबसे पहले लूंगा, मैंने सबसे पहले ये क्रॉस अपना यहां से स्टार्ट किया तो ये मेरा सबसे पहला क्रॉस है, इसका जो भी रिजल्ट होगा, इसके क्रॉसिंग का जो भी रिजल्ट होगा उसी को मैं F1 जनरेशन बोलूंगा। F1 की फुल फॉर्म फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है। और जब F1 की मैं सेल्फिंग कराऊंगा, मतलब कि इसका क्रॉस इसके साथ कराऊंगा, मतलब कि F1 के रिजल्ट से जो भी पैदा होंगे उसको मैं F2 बोलूंगा, और F2 की फुल फॉर्म हो जाएगी सेकंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे बन चुका है हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है दैट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो कि खुद को शो कर दे F1 जनरेशन में, ठीक है, वो कैरेक्टर जो खुद को, ये जैसे कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो कि खुद को F1 जनरेशन में शो कर दे, ठीक है, जो खुद को F1 जनरेशन में शो कर दे, शो करना मतलब एक्सप्रेस करना, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो खुद को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाया है, जिसका कैरेक्टर मास्क हो गया है, छिप गया है, जिसका गुण छिप गया है, उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। तो जो खुद को शो नहीं कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। और जिन्होंने खुद को शो कर दिया है, जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हो गए हैं, अब F1 में एक्सप्रेस कौन हुआ है, टॉल एक्सप्रेस हुआ है, इसीलिए हम टॉल कैरेक्टर को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे, और ड्वार्फ को क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता कि यहाँ पे ड्वार्फ पैदा हो जाते सभी, तब हम उस ड्वार्फ को क्या बोलते, डोमिनेंट बोलते, और टॉल को रिसेसिव बोलते। समझ में आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसकी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लोग समझ चुके हो, और मैंने आपको F1 जनरेशन समझा दिया है। डोमिनेंट वो होता है जो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है, रिसेसिव वो होता है जो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था, ये बात भी आपको याद रखनी है। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप वो होता है जो उसके एक्चुअल जेनेटिक मेकअप के बारे में बताए। फीनोटाइप क्या होता है, जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जो उसके एक्चुअल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं, उसी को हम फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि टॉल, एक यहाँ पे जो टॉल प्लांट, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं टॉल प्लांट, तो इसका मतलब मैं इसके फिनोटाइप की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं लिख दूं हाइब्रिड टॉल प्लांट, हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब मैं इसके जेनेटिक मेकअप को जानता हूँ, तब ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप कैरेक्टर। तो जीनोटाइपिक कैरेक्टर के बारे में अगर आपको किसी भी प्लांट के जीनोटाइपिक कैरेक्टर के बारे में लिखना है, तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर के सामने आपको उसके मेकअप के बारे में बताना पड़ेगा कि वो हाइब्रिड है या फिर प्योर है। आप प्योर की जगह होमोजाइगस वर्ड यूज कर सकते हो, और हाइब्रिड की जगह हेटरोजाइगस वर्ड यूज कर सकते हो। आई थिंक यहां तक सभी को सबको समझ में आ चुका है। हम शुरू में स्लो चलेंगे, फिर एकदम गियर डालेंगे सिलेबस में, ठीक है, इस जेनेटिक्स के में। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से कल इसी चैनल पर। ओके, ये मीटिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।